फरुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला होसा निवासी हरदोई कोर्ट में तारीख करने गया था। घर वापस आते समय वो अपनी ससुराल मानपुर के लिए चला गया। इतने में पत्नी प्रीति के द्वारा अपने पति पर हमला बोल दिया। पत्नी प्रीति और पति में 6 वर्ष लगातार मनमुटाव चल रहा था। वो अपने माता पिता के साथ जीवन यापन कर रही थी। उसी को लेकर उसकी पत्नी प्रीति ने अपने पति के खिलाफ हरदोई फैमिली कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी तारीख करने के लिए पति सुमित उर्फ पप्पू शर्मा गया था। ससुराल में साले ससुर सास साली ने जीजा को मारपीट कर घर से निकाल दिया। लगभग रात 8 बजे वह सवाजपुर के आगे कनारी के पास एक बुलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दामाद सुमित उर्फ पप्पू शर्मा निवासी नगला हुसास बाइक पर सवार थे। बुलेरो सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें सुमित उर्फ पप्पू शर्मा पुत्र सर्वेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों को सूचना दी गई। परिवार वाले मौके पर पहुंचे, जहां पर सुमित उर्फ पप्पू की मृत्यु हो चुकी थी। श्याम घायल अवस्था में पड़े मिले। उन्हें एक निजी चिकित्सालय फरुखाबाद में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मृत सुमित 4 भाइयों में दूसरे नंबर का था। माँ कांति देवी का रो रो कर बुरा हाल है और माँ कांति देवी का बताना है कि मेरे लड़के को उसके ससुराल वालों ने बुलेरो से हत्या करा दी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पत्नी प्रीति पति की मृत्यु होने के बाद भी ससुराल नहीं आई है। या छे तो इसके क्या कारण था जो वो अपने मायके में ही जीवन यापन कर रही थी? हमारे गांव मंदिर है, कबाड़। अच्छा भैया, ये नए वाले। अच्छा, कल आपका लड़का बुलाने गया था? कल तारीख गए थे। अच्छा, तारीख कहाँ करने के लिए गए थे? हरदोई। तुम्हारी बहू का क्या नाम है? प्रीति। और आपके लड़के का क्या नाम? सुनीत। अच्छा, आपके लड़के के साथ में कौन था? अच्छा, गांव के ही हैं? हाँ, गांव के। गांव कोड़े टूटे उधारों। अच्छा, क्या हुआ? कोई मारपीट हुई थी क्या? मारपीट भाई। अच्छा, इन्हें गाड़ी घेरी। नहीं, किन किन लोगों ने गाड़ी घेरी उसके नाम बताएं जरा। अब जाता हूँ गाड़ी का। ये बताओ उनके ससुरालियों के क्या नाम है? बाबू नाम जहारी है। जहारी। श्यामा कुमार। श्यामा श्यामा कुमार कौन है? लड़की की माता। लड़की की माता। सालों का क्या नाम है? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।